यहाँ पे ये लोला है, ये अपनी फ्रेंड है और ये जब भी अपने को देखती है तो अपने को मिलने आ जाती है। क्या मेरा गाइस तुमको भी मिलने आ गई है लोला? तो हाय गाइस, फिलहाल अभी हम जा रहे हैं नीचे और देख रहे हैं इस माइक का टेस्ट करके कि यार ये क्या एक्चुअल में कैसा है, मतलब आउटडोर में। इंडोर्स में तो ये ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, ठीक ठाक इन द सेंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट आउटडोर में जाके चेक करते हैं। फिलहाल मैं अभी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ और सीढ़ियों से नीचे उतरने का आवाज़ भी अच्छे से आ रहा है शायद से, और मेरा आवाज़ कैसा आ रहा है वो मेरे को चेक करना है। मतलब अगर ये यूज़ कर सकते हैं तो फिर ये मतलब ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये साउंड मुझे पसंद है मतलब चलने का ये सब, लेकिन मेरा आवाज़ जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए। तो चेक करते हैं। तो ये गेट मैं खोल रहा हूँ और बाहर जा रहा हूँ, अभी देखते हैं क्या सीन है। गेट के बाहर ज़्यादा पब्लिक तो नहीं है, रात के 11:30 या ऐसा कुछ बजे है, देखते हैं। क्योंकि आवाज़ तो है लेकिन आसपास मेरा आवाज़ इस सब के बीच में कैसे आता है वो सब देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं बैठ गया हूँ और मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि आवाज़ इसका कैसा आने वाला है और क्या होने वाला है, बट आई होप कि आवाज़ इसका अच्छा है, क्योंकि शायद मैं इधर देख के बात कर रहा हूँ, माइक इधर है। माइक अगर जब मैं इधर देख रहा हूँ तो हर बार इसको ऐसा पकड़ के बात करना तो मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये करेंगे तो थोड़ा ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा बेटर रहेगा, या तो फिर मेरे को थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि माइक कैसा यूज़ हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। आसपास अब सब लोग दुकान बंद करके जा रहे हैं और मैं भी ये भी मतलब कुछ समझ रहा नहीं है, मतलब एक्चुअली कि यार ये यूट्यूब का जो कोड है उसको मैं क्रैक कैसे करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी है ज़िंदगी में और ये इन्फ्लुएंसर बनने से डर भी लग रहा है, क्योंकि फिर शायद ज़िंदगी में ज़्यादा फ्रीडम नहीं होगा मुझे यहाँ वहाँ जाने का। जैसे अभी मैं बैठा हूँ रास्ते पे, हो सकता है जब मैं बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाऊँगा तो मैं शायद रास्ते पे ऐसे चल नहीं पाऊँगा, मतलब मेरे आसपास कुछ बाउंसर व्यूंसर्स होंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे को मिलने आएंगे और मैं बस ऐसे वीडियो के बीच में हाय हाय करते रहूँगा। बट अभी फ़िलहाल तो अकेला बैठा हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि किसी तरह से कुछ कर पाऊँ मैं यूट्यूब में, मतलब कुछ इन द सेंस 200-300 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक। एक्चुअली मुश्किल है, 200-300 मिलियन सब्सक्राइबर यानी कि यार 20-30 करोड़ लोग हो जाते हैं, और उतने सारे लोगों तक पहुँचने के लिए मच्छर नहीं मार सकते, कुछ और करना पड़ेगा। ये देखिए अभी जो मैंने मच्छर को मारा है, दिख रहा है क्या वो? लकीरों पे आ गया है मच्छर। ठीक है, मैं अभी थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ और अलग डायरेक्शन में। ये देखिए मच्छर को अभी जस्ट मारा है मैंने। इसमें लिखा है पहली बार कल्याण में इंडिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो। ओके, तो यार चलो जाते हैं इस एक्सपो में और थोड़ा ट्रिप करके आते हैं मेरे हिसाब से, क्या सीन है क्या नहीं देखते। ये है 4 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे तक, लेकिन इसकी डेट यहाँ पे नहीं लिखी है, ना ही कोई यहाँ पे नंबर है, देखते हैं क्या सीन्स है। यहाँ पे ये लोला है, ये अपनी फ्रेंड है और ये जब भी अपने को देखती है तो अपने को मिलने आ जाती है। क्या मेरा गाइस तुमको भी मिलने आ गई है लोला? लोला ने कैमरे का लेंस ख़राब कर दिया है, सब पे भोंकती रहती है लोला, लेकिन अपने में भी पहले भोंकती थी, अभी नहीं भोंकती है वो। लोला अरे अरे वापस खराब कर लो। ये क्या भूख रही है बे? अबे कैमरा चाट लिया उसने। लोला कैमरे पे पूरा फॉग जमा हो गया, मेरे को भी काट रही है, सबको भूख रही है, भूख जोर से भूख। लोला का कोई फ्रेंड भी आ गया है, ये चले लोला, बाय लोला। यहाँ पे आसपास बहुत सारा शोर शराबा और लाइट थोड़ी कम है, तो इसके लिए मैं अभी थोड़ा फ्लैश लाइट चालू करके देख रहा हूँ कि कैसा, मतलब ये सब एक्सपेरिमेंट्स कैसे होंगे, और ऑडियो का मैं मोस्टली चेक कर रहा हूँ कि ऑडियो कैसा होगा। आई होप अच्छा ऑडियो हो इसमें, तभी मज़ा आएगा। लोला कैमरे पे चढ़ने का कोशिश कर रही है लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया है, सरेआम पकड़ लिया है। लोला चल दाम इसको बात करने दे।
तो गाइस मैं बोल रहा था कि इसमें ऑडियो कैसे आ रहा है वो मुझे चेक करना है, क्योंकि तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये माइक वर्क कैसे कर रहा है और इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है। तो वही करने में आज टेस्ट करने आया हूँ, तो लेट्स सी गाइस कैसे होता है, क्या नहीं होता है।